हेलो राम राम हाँ भाई, सभी को वेलकम बैक भैया टू। अभी कर ले सारी बात, कर ले अभी। आ रहा भाई गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, इसके गर्लफ्रेंड आगे नीचे। गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ले इसकी। हाँ भैया राम राम भाई, सभी को वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम करने वाले Q&A, और जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे भाई आशीष ने भर के भेजे हैं मेरे पे। मैं सही बता रहा हूँ, इसने मेरे पे पता कितने क्वेश्चन भेजे हैं? 51 क्वेश्चन भेजे हैं भाई, इतने तो नहीं पाएंगे। तो एक क्या वाला क्वेश्चन ही ले लो पहले, फेवरेट क्रिकेटर बता दे। ये ऐसे छोटे छोटे जल्दी जल्दी देते चलेंगे, ठीक है भाई? ठीक है, पहला घर है भाई साहब। न्यू घर में शिफ्ट कब हो रहे हो? न्यू घर में शिफ्ट हो चुके हैं, मैं नहीं हुआ, मतलब मैं अब हुआ। मम्मी यार आ गए, और क्या कहते हैं, अभी जो अंदर का काम चल रहा है वहीं पे रह के करवाएंगे। मतलब वैसे वाली शिफ्टिंग हुई कि प्रॉपर घुस गए, बस ये कि रहने लग गए, बेड बुड डाल लिया अपने। और क्या, रोल्स रॉयस कब आ रही है? पता नहीं भाई, मुझे पता भी नहीं गाड़ी कंपनी कौन सी है, और मैं नहीं जानता इस कंपनी को बिल्कुल। रोल्स रॉयस कुछ महंगा लग रहा भाई। भाई क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट वाले व्लॉग में आपके बाथरूम 7 स्टार जैसा बन रखा है, आशीष ने बोला है। कहाँ से करवाया आपने बाथरूम? भाई देखो, बाथरूम अपना बहुत जबरदस्त है, उसमें अभी दिखाऊंगा। जकूजी वकूजी डल रखी है, जो जितना भी सामान है हमने लिया था भाई जयपुर से, निखिल भाई से, जिनकी शॉप का नाम है लाइफ टाइम बाथ एंड किचन। तो मैं एड्रेस यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, नंबर नंबर आ जाएगा, तुम्हें कॉन्टैक्ट करना, ले लेना भाई अपने बाथरूम के लिए बढ़िया सामान। 2025 न्यू प्लान भाई, 2025 मेरा अभी तक जुलाई तक तू दे दे जवाब। नहीं नहीं बोलो ना, दे बताइए। नहीं बता बता, मैं बताऊंगा एक तगड़ी चीज़ सर। जुलाई 2025 भाई साहब बहुत तगड़ा जा रहा है हमारा, मतलब जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे रोडीज़ है वो जनवरी में लॉन्च होगा, तो 2025 की शुरुआत बहुत ही बेस्ट होने वाली है। उसके बाद हमारे वेब सीरीज़ हैं दो, और शोज़ हैं 2-3, मतलब अच्छे अच्छे शोज़ हैं, कर रहा हूँ मैं अगले साल भी फुल पैक। नेक्स्ट हिंदी म्यूजिक वीडियो, नेक्स्ट हिंदी म्यूजिक वीडियो भी जल्दी आएगी। हमने एक यूके में जो शूट करी थे दो, उसमें एक रिलीज हो गया, एक हरियाणवी बचा है। उसके बाद एक दो प्रिंस भाई के साथ आ रहे हैं मेरे गाने, आएगा हिंदी आएगा, हम हरियाणवी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यार आप इतने डाउन टू अर्थ और क्यूट कैसे हो? ये कैसे क्वेश्चन ले रखे हैं आशीष ने भाई? क्यूट तो मैं हूँ भाई। भाई लड़का ये जवाब देगा, ये क्यूट और डाउन टू अर्थ है, क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा है, समझ बता दे। मैं डाउन टू अर्थ हूँ या क्यूट हूँ? क्यों कैसे है? जैसे हूँ, क्योंकि इसकी मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। नेक्स्ट, यूट्यूब व्यूज स्टक हो रहे हैं ब्लॉग्स? हाँ यार, मेरे बहुत पहले भी दिक्कत थी, व्यूज माइनस में चले जाते हैं, मतलब बढ़ते हैं फिर कुछ पता नहीं मेरे को, मैंने करवा ली खूब जांच भाई, ना पता लगे। शादी कब कर रहे हो? वाओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरी अर्चित की शादी गाइस बहुत जल्दी होने वाली है, यूं समझ लो। कब कर रहे हैं हम शादी? अगले साल कर रहे हैं। तो ये प्रेग्नेंट पहले हो गया था, तो उसके बाद हमने सोची कि वो शादी कर लेते हैं। शादी कब? मेन चैनल पे वीडियो कब आएगी? आएगी आएगी, अभी मैं रोडीज में चला जाऊंगा, पता नहीं यार, थोड़ा टाइम लग सकता है, सो सॉरी। सब्सक्राइब कर लो। आपकी दिवाली कैसी रही? दिवाली शूट पे रही भाई, प्लेग्राउंड का शूट कर रहा था मैं। दिवाली कुछ नहीं रही मेरी, ना मैं पूजा कर पाया, ना मैं पटाखे छुटा पाया, कुछ नहीं। पार्टी करी बस रात को मुंबई में, क्योंकि पार्टी थी उधर। क्या है फेवरेट आउटफिट एंड कलर? कलर मेरा फेवरेट है लेवेंडर कलर, मेरा फेवरेट है मेरा ब्लैक भाई। जो है क्या कर रखते हैं इसको, मैं कुछ ज्यादा ही पसंद हूँ। फेवरेट आउटफिट, फेवरेट वो टी-शर्ट, इसका वो है टी-शर्ट, जंप सूट नहीं, टी-शर्ट पजामा चप्पल, जंप सूट या फिर ये पटियाला सूट और सलवार बहुत अच्छा लगता है, सेक्सी अपना। तो बता दो बिकिनी। हां मैं बिकिनी, और नीचे क्या पहनता हूं? पत्ते। मैं तो बिकिनी में आती है एक चीज। ठीक है, बिग बॉस में फिर से कब आओगे? बिग बॉस में भाई साहब हुआ है, हम जीता है, हमने कटारे भाई साहब भेजा, उसके बाद पता नहीं, ये तो जाने लायक हुए नहीं अभी। करण औजला के शो में कब जाओगे? जब होगा दिस दिसंबर, जब होगा, जब भी है तब जाएंगे भाई। अरे कहाँ यार, भूल कैसे रहा हूँ, तो पढ़ता रहना। जय श्री राम आपको, जय श्री राम। ये कैसा क्वेश्चन था? कहाँ पहुंच गया अपने? 14। आपको तबीयत एंड बैक पेन कैसी है? बैक पेन होता है अपना, क्या बैक पेन? मेरा आज ही कपिंग कराई थी भाई। बंदा पूछ रहा है मुझे, आपके जैसा बनना है तो क्या करूं? मेरे जैसा बनना है तो क्या करो? कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो। सुबह सो, रात को सो, काम मत करो, आवारा घूमो, मेरे जैसे बन जाओगे। वन लाइन अबाउट लाइफ, टफ एंड इजी एट द सेम टाइम। ये तो हो गया, लेना नारा सॉन्ग का आएगा सून। भोजपुरी में सॉन्ग, आई लव भोजपुरी लैंग्वेज एंड आई लव पीपल फ्रॉम बिहार झारखंड साइड। तो बहुत जल्दी यही बता दिया, इसका गाना आएगा पहले भोजपुरी। आप शादी किससे करोगे बता दिया? शादी करेंगे अरिजीत से। आप इतना काम करके थकते नहीं है क्या? थकते बड़े जल्दी जाते हैं 2 मिनट में। इसको इसको पता है ना, साथ में रहते हैं क्योंकि हम। पढ़ना भाई क्या है, भुवन बाम के साथ न्यू सीरीज बनाओ? बनाएंगे।
वन मोटिवेशन भाई, इतनी सा मोटिवेशन मेरे में ना है भाई। मोटिवेशन लाइन ये है कि अपने घर में तो बैठो, बाहर निकलना पड़ेगा चाहे तुम्हें कुछ भी करना हो, निकल जाओ अभी घर छोड़ के भाग जाओ। Who's your idol? तू पहले बता, who's your daddy? Daddy तो मेरा घर बैठा अभी सो रहा। मैं अभी वहीं से ही आया था। अच्छा अच्छा, क्या है who's your idol? Nobody. वैसे नहीं मानता भाई, क्या बताऊं मैं। Most unexpected DMs you have ever, I don't check DMs. भाई आपसे कैसे मिले, गिव अवे। अरे रुक जाए, दोबारा जवाब देंगे। न्यू वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम शूट नहीं कर रहे। ऊपर रह के अकेले पहुंच के अकेले, ये तो बता दिया। आलू में कितने बीज होते हैं, ये क्या भाई? आलू में कितने बीज होते हैं, आलू का तो ना पता, पर ये जो पानी भरी और चीज रहे हैं, मार मत पड़े बीज है, देते भी रहे हैं बीज औरों को। आराम का बीज है, डायमंड प्ले बटन कब आएगा? डायमंड प्ले बटन मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगी थी जो आपको पता होगा, तो उसके चक्कर में डिले हो गया, आएगा नेक्स्ट ईयर। ढांडा न्यूली वाला के साथ कोलैब का, जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्लान बनाएंगे करेंगे। हाउ टू मेक मोर मनी, मेहनत करो यार। इसका भी दे दिया था अपन भाई, कैरी की न्यू वीडियो में क्यों नहीं बता दिया यार, उसका आया था, मैं बिजी था यार, सॉरी यार। बिग फैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिग फैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्या क्वेश्चन है भाई? गाना गा दो, बहुत अच्छा गाते हो भाई। कॉपीराइट मार देता, मैं गा के सुना देता। नेक्स्ट फोटो शूट कब डालोगे? नेक्स्ट फोटो शूट खींच रखी हमने फोटो, फोटो कब डालोगे होगा ना क्वेश्चन, तो फोटो डालेंगे दो दिन में। व्हाट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन यू हैव लर्न्ड? तेज बोल लेना मेरे कान में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बोल रहे? मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन, मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन मेरा ये है कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपका सर्कल चेंज होता है और आपके बबल्स जो जिसमें आप जीते हो वो फूटते रहते हैं। तो भाई अपने ऐसे लोगों के साथ बैठो जो प्रोडक्टिव तुम्हें चीज़ दें और लाइफ में आगे कैसे बढ़े, पैसे ज़्यादा कमाएं और तुम्हें चीज़ें सीखने को मिले, उनके साथ नहीं जो बैठ के आवारागर्दी करेगा अभी यहाँ जाओ नहीं। अभी तो साथ छोड़ दिया इनका, अलग से अच्छी तरह। लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम नेपाल, ठीक है भाई। लव फ्रॉम गुड़गांव, वन रोमांटिक म्यूजिक वीडियो कर दो, ठीक है भाई सब कर देंगे। छोरी कौन भेजोगे? चलो चोरी है मेरे पे। रोज रोज व्लॉग डालो, रोज रोज व्लॉग डालो, ठीक है भाई। और फुल होम टूर, फुल होम टूर एक बार पूरा हो जाने दो। योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, बेस्ट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड तो थोड़ा इनका वो था ट्रॉमाटाइज थोड़ा, हां यार समझ सकते हो आप लोग। मेरा चाइल्डहुड बहुत है, मेरा चाइल्ड, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, कहां इतनी दूर से कहां बोल रहे हो भाई, आओ ना। ट्रॉमा सिर्फ है कि कहीं एक छोटी सी गलती कर दे उसमें पीछे, आ जाओ ऑडियंस बैठ रही है देख के पूरी। हाँ भाई क्या था क्वेश्चन? मेरा चाइल्डहुड मेमोरी बेस्ट यार, जब मैं पहले बुआ के जाता था हर गर्मी की छुट्टी में। चलो ये तो ठीक है, और कोई टेंशन नहीं रहती थी दिमाग में। एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये बुआ भी आ गई, देखो अपना ट्रॉमा बताना है चाइल्डहुड, पहला बताओ ये। भाई के साथ तो बहुत बुरा, भाई को तो छेड़ा लोगों ने, देख लो भाई मेरा कोई ट्रॉमा ना, मैं खुशी खुशी जी हूं भाई। मेरे पापा ने अशोका के पेड़ पे बांध के मारा मुझे, ये ट्रॉमा। फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, और दिनेश भाई भी कभी कभी। एमएस धोनी, एमएस धोनी। आपका कौन है भाई फेवरेट प्लेयर? तू जी, धन्यवाद है भाई साहब। एक क्वेश्चन है भाई कि वो जो गिव अवे कह रहा मैं, वो जो लोगों से आप मिलने की कह रहे थे जिसने अच्छा कमेंट करा, भाई साहब दो लोगों से मिल चुका हूँ मैं मुंबई में, एक अभी प्लान बन रहा है मेरा दिल्ली में, एक भाई है मेरी बात होगी उससे, तो मिलेंगे भाई साहब, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा समझो, हाथ जोड़ के माफी है जी। ओके।